ओडिशा के बालासोर में हुए रेल एक्सीडेंट में 250 से ज्यादा यात्रियों की जान जा चुकी है। रेल एक्सीडेंट को लेकर राज्यपाल गणेशी लाल ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से हम किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया था। बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। तीन ट्रेन की इस भीषण टक्कर के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच हादसे की संयुक्त जांच रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है। इस जांच रिपोर्ट में इस भीषण घटना के पीछे सिग्नल से संबंधित गलती सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहनागा बाजार स्टेशन पर मालगाड़ी लूप लाइन में खड़ी थी। इसी बीच चेन्नई से हावड़ा जा रही 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा बाजार स्टेशन पर पहुंची। हर स्टेशन पर दूसरी ट्रेन पास कराने के लिए लूप लाइन होती है। बहनागा बाजार स्टेशन पर अप और डाउन दो लूप लाइन है। आपको बता दें कि किसी भी ट्रेन को लूप लाइन पर तब खड़ा किया जाता है जब किसी ट्रेन को स्टेशन से पास कराया जाना हो। बहनागा बाजार स्टेशन पर भी कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस को पास कराने के लिए मालगाड़ी को कॉमन लूप लाइन पर खड़ा कराया गया था। कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज रफ्तार से मेन अप लाइन से गुजर रही थी। उस समय डाउन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। बहनागा बाजार स्टेशन पर इन ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, ऐसे में दोनों ही ट्रेन की रफ्तार तेज थी। बहनागा बाजार स्टेशन से गुजर रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक पटरी से उतर गई। पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे मालगाड़ी से भिड़ गए। हादसे के समय डाउन लाइन से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बे भी पटरी से उतर गए, कोरोमंडल एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स और रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन नंबर 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बे भी पटरी से उतर गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 21 डिब्बे पटरी से उतर गए और तीन डिब्बे छटक कर डाउन लाइन पर चले गए। हादसा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से करीब 170 किलोमीटर और खड़गपुर रेलवे स्टेशन से करीब 166 किलोमीटर दूर स्थित बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन पर हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही रेल महकमा एक्शन में आ गया। रेलवे के मुताबिक सूचना मिलते ही एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन के साथ ही एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन मौके की ओर रवाना करने के आदेश दिए गए। खड़गपुर, भद्रक, टाटानगर, संतरागाछी, खुर्दा रोड और बालासोर स्टेशन से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन को मौके की ओर रवाना किया गया। भद्रक से एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन रात के 8:30 बजे ही मौके पर पहुंच गई थी। रेलवे की ओर से हादसे की शिकार हुई ट्रेन में सवार यात्रियों की संख्या को लेकर भी जानकारी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1250 से ज्यादा पैसेंजर ने टिकट बुक किए थे। वहीं यशवंतपुर एक्सप्रेस में 1309 यात्री रिजर्वेशन कराकर यात्रा कर रहे थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषय पर खबर उपलब्ध है। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।